दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे से जुड़ी कोई भी सूचना, कोई भी खबर हम सबसे पहले आपके पास लेके आते हैं। जैसे ही कोई बोर्ड से ऑफिशियल सूचना आती है, कोई अपडेट आता है, हम तुरंत आपके पास लेके आते हैं। तो आज ऐसी ही एक बहुत बड़ी खबर के साथ हम आपके सामने आए हैं। छात्रों के मन में जैसा कि बहुत बड़ा डाउट था, बहुत बड़ा संदेह था कि पहले रेलवे ग्रुप डी होगी या NTPC की परीक्षा होगी या फिर कौन होगा दोनों में से पहले एग्ज़ाम, ठीक है। तो आज उसी के बारे में बोर्ड ने एक ही बात, एक ही जवाब में साफ कर दिया है कि कौन सा एग्ज़ाम पहले होगा या किसके एडमिट कार्ड पहले आएंगे। पूरी खबर जानेंगे, पूरी तरह से देखेंगे कि क्या है माजरा। उससे पहले एक बात आपको बता देना चाहेंगे कि आपको रेलवे से जुड़ी कोई भी सूचना, कोई भी खबर सबसे पहले चाहिए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि कोई भी अपडेट जो हो आपके पहले, सबसे पहले आपके पास तक पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। और एक बात निवेदन और करना चाहूँगा आपसे कि हमारे वीडियो के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया जाता है जो कई बार से कई परीक्षाओं में सिलेक्टेड होता है, पूछा गया होता है, ठीक है। तो वो प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं ताकि वो प्रश्न आपसे छूटने ना पाए, ठीक है। आपको अगर उसका उत्तर मालूम हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर दिया करें। हमारा आपसे निवेदन है कि उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, ठीक है दोस्तों। आप अपनी योग्यता को भी जाँच पाएंगे और हमें भी आपकी तैयारी का पता चल पाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए पूरी वीडियो देख लेते हैं क्या है। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए बड़ी खबर आ रही है। रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से NTPC एडमिट कार्ड इस दिन जारी कर सकता है। सितंबर में होंगे एग्ज़ाम, ठीक है दोस्तों। जैसा कि बताया जा रहा है कि आपके एग्ज़ाम सितंबर में होने थे, होने की पूरी पूरी संभावना है। हम आपको बताते चले आ रहे हैं बहुत दिनों से, आगे ही बता रहे हैं। देखिए भारतीय रेलवे में भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड RRB NTPC एडमिट कार्ड जल्द जारी कर सकता है। परीक्षा सितंबर में होगी, इसके लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। एडमिट कार्ड से जुड़ी अपडेट 31 अगस्त तक आने की संभावना है। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारतीय रेलवे में भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड RRB जल्द ही NTPC परीक्षा 2019 के लिए एडमिट कार्ड जारी करेगा। ये एडमिट कार्ड अभी जारी नहीं किया गया है। एक बार एडमिट कार्ड जारी होने के बाद ये आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। एडमिट कार्ड 31 अगस्त 2019 के बाद जारी किया जाएगा। यह RRB NTPC आवेदन पत्र स्टेटस के लिए जारी की गई नई तारीख के मद्देनज़र है। हालांकि इस जानकारी के बारे में एक आधिकारिक अपडेट की घोषणा की जानी बाकी है। RRB एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट ऑफिशियल साइट पर उपलब्ध होंगे। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र बनाए रखने की सलाह दी जाती है। तो बड़ी खबर निकल के दोस्तों ये आ रही है कि 31 अगस्त तक आपके एडमिट कार्ड और परीक्षा को लेकर कोई ना कोई ऑफिशियल अपडेट ज़रूर सामने आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि कब परीक्षा होनी है और कब एडमिट कार्ड आएंगे या फिर क्या होगा उसका शेड्यूल। तो आपको लगातार ऑफिशियल साइट पर बने रहना है या हमारे चैनल के साथ बने रहना है, क्योंकि जैसे ही कोई सूचना आएगी हम आपको तुरंत पहुँचाएंगे, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। सूत्रों के अनुसार परीक्षा सितंबर में आयोजित होने की उम्मीद है और इसमें कोई देरी नहीं होने की संभावना है। RRB ने 1,00,000 से अधिक ग्रुप डी पदों के लिए आवेदन के लिए वैकेंसी जारी की थी। हजारों छात्रों ने शिकायत की थी, आवेदन को बिना किसी आधार के खारिज कर दिया गया था। कुछ उम्मीदवारों ने कहा कि उनके आवेदन को निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले फोटोग्राफ या हस्ताक्षर के आधार पर खारिज कर दिया गया था। अभ्यर्थियों ने इसे अनुचित बताया है। RRB ने अब आवेदन की समीक्षा करने का निर्णय लिया है, ठीक है दोस्तों। जैसा कि बताया जा रहा है आपको, हम पहले ही अपडेट कर चुके हैं कि जो रेलवे ग्रुप डी के छात्र थे उनके साथ गलत हुआ था। बहुत ही बच्चों को परेशानी थी कि उनके फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की वजह से उनके फॉर्म विजिट कर दिए गए हैं और उसकी जांच भी हो रही है। जी हाँ, बोर्ड ने कहा फोटो हस्ताक्षर आदि के आधार पर आवेदनों की अस्वीकृति के बारे में प्राप्त सभी शिकायतों की जाँच की जा रही है। अंतिम परिणाम प्रत्येक उम्मीदवार को SMS और ईमेल के माध्यम से 31 अगस्त 2019 तक नवीनतम रूप से सूचित किया जाएगा। इसके बाद RRB ग्रुप डी 2019 के उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षण पर अपडेट देगा। उपर्युक्त प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को बोर्ड की अधिसूचना की प्रतीक्षा करनी होगी। एक बार जब यह पूरा हो जाएगा तो RRB NTPC एडमिट कार्ड 2019 जारी किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा है कि जो है पहले पूरी जाँच हो जाएगी ग्रुप डी वाली, यानी 31 अगस्त तक उसका परिणाम आ जाना है, आप सबको पता है। उसके बाद NTPC अपनी अपडेट देगा एडमिट कार्ड के और परीक्षा के बारे में। तो एक सूत्रों के अनुसार एक बहुत बड़ी खबर सामने ये गुप्त रूप से निकल के आ रही है कि जो ग्रुप डी होगा वो पहले होगा और NTPC बाद में होगा, ठीक है दोस्तों।
तो एनटीपीसी बाद में होगा क्योंकि उसकी अपडेट ग्रुप डी के बाद आएगी। जब ग्रुप डी वाला पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा उसके तुरंत बाद एनटीपीसी अपना एडमिट कार्ड दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहें, जैसे कोई सूचना आती है 31 अगस्त तक कोई भी खबर जो आ रही होगी अपडेट हम आप तक तुरंत पहुँचाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को तुरंत बेल आइकन दबा लें। और आपसे निवेदन है कि लास्ट में पूछे गए प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।